हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्सा जो सेवेंटीन ऑफ जनवरी 2024 वेंसडे का दिन निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी का दिन है दोस्तों और जैसा कि आप देख पा रहे हैं गिफ्ट निफ्टी ट्रेडिंग एट 189 पॉइंट्स नेगेटिव इसके अलावा एशियन मार्केट्स के बारे में बात करें एशियन मार्केट्स में आपको मिक्स क्यूज दिखाई पड़ रहे हैं विद नेगेटिव बायस डाउ जो भी नेगेटिव ट्रेड कर रहा है कई सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर मार्केट के बीच गिरावट के पीछे का रीजन क्या है तो so दोस्तों सिंपल सी चीज़ है मार्केट जब ऊपर जाती है उसके पीछे का अगर कोई रीजन नहीं है तो गिरावट के पीछे का भी कोई रीज़न चाहिए नहीं मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर चल रही है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनफैक्ट कल के दिन मार्केट वीक थी उसके बावजूद भी निफ्टी बैंक क्लोज हुआ है फोर्टी के ऊपर निफ्टी फिफ्टी ट्वेंटी के ऊपर सो so, जो लोग प्रॉफिट को बुक करना चाहते हैं ट्रेडिंग कम्युनिटी है शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया दे विल बुक दिया प्रॉफिट्स, और मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग चलते गिरावट डेफिनेटली एक्सपेक्ट करनी चाहिए और एक दो और भी चीज़ें हैं दोस्तों जिसको कि मार्केट में कपल करके नो आपको गिरावट दिखाई पड़ेगी पहली चीज़ तो दोस्तों कल के दिन एच बैंक के रिजल्ट्स वीक है इंडिया का नंबर वन प्राइवेट सेक्टर बैंक जिसका कि अच्छा खासा मार्केट कैप है उसमें भी कल के दिन ए में गिरावट थी जिसके चलते आज के दिन बैंक निफ्टी में आपको अच्छा खासा प्रेशर दिखाई पड़ेगा इसके अलावा दोस्तों बात करें हम लोग टॉप गेनर्स की और भी रीजन है आईएमएफ का भी रीजन है डिस्कस we'll टॉप गेनर्स के बारे में बात करें जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड वाज अप अप्री फोर अप एंड हाफ परसेंट इसके अलावा आई ओ सी एल वॉज अफ फोर एंड हाफ परसेंट सेन्ट हिंदुस्तान वॉज लुकिंग स्ट्रॉग मेरे हिसाब से दो स्टॉक आपको डेफिनेटली स्टडी करने चाहिए वन इज सेल एंड सेकेंड वन इज हिंदुस्तान कॉपर अगर आप कैश ट्रेड्स करना पसंद करते हैं तो दोस्तों आई के अलावा एक और स्टॉक है जिसको कि आप स्टडी कर सकते हैं स्टॉक का नाम है बी स्टॉक जिनको कि आपको स्टडी करना चाहिए आई एम गिविंग यू एज अ होम वर्क विच यू कैन डू एट योर ओन एंड टॉप लूजर्स के बारे में बात करें दोस्तों ये स्टॉक पिछले दिन से चल रहा था अब आज के दिन मतलब कल के दिन तीन परसेंट गिरा है तो वाई आर यू गेटिंग सरप्राइज सिंपल चीज अगर ये स्टॉक दोस्तों दिन बीस परसेंट भाग गया विदेरी वेरी वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टू थ्री डेज द स्टॉक विल डेफिनेटली करेक्ट तो प्रॉफिट बुकिंग होगी ही होगी सिमिलरली रियलिटी स्टॉक्स बुरी

कमोडिटी सेक्शन uh, की ज़्यादा एक्शन नहीं था नेचुरल गैस वाज डाउन फोर एंड हाफ परसेंट अच्छा कल के दिन uh, रुपी की स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो डॉलर को छोड़ करके कल के दिन भी इंडियन रुपयी में स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रही थी इनफैक्ट अगर आप मुझसे पूछें तो इंडियन रुपी उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो रहा जितनी बाकी सारी करेंसीज फॉल कर रही हैं हाँ कल के दिन यू डॉलर थोड़ा स्ट्रोंग होता हुआ दिखाई पड़ा एज अगेंस्ट इंडियन रुपी और यू एस डॉलर ने फिर से 83 के लेवल्स को रिक्लेम किए हैं मतलब एक डॉलर में जो 82. टू पॉइंट मेरा ऑलमोस्ट एट्टी चला गया था रुपीस, तो कल के दिन यू एस डॉलर थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ और उसने फिर से 83 रुपीस पर यू एस डॉलर के लेवल्स को रिक्लेम किया है वजह जाते है आज के इंपॉर्टेंट मुद्दे भी क्या आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है तो निफ्टी फिफ्टी में कल के दिन गिरावट थी 65 पॉइंट्स की क्लोजिंग हुई 22,032 कल के दिन भी दोस्तों मैंने ये चीज़ बोली थी आज भी मैं सेम चीज ही रीट्रेट कर रहा हूँ कि 22,000 के लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं ये अगर गिरते हैं तो फिर आपको शार्प फॉल एक्सपेक्ट करनी चाहिए और ट्वेंटी तो क्रोशियल लेवल है अगर ये रीच किया तो कम से कम दो पॉइंट की गिरावट और एक्सपेक्ट करनी चाहिए ऑफकोर्स इन अ डे और टू ऊपर के लेवल बात करें दोस्तों ट्वेंटी टू इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है कल के दिन भी मामला गड़बड़ी लग रहा था ऊपर के लेवल ब्रिज नहीं हो पा रहे थे अगर ब्रिज होता है तो सौ पॉइंट मिलेंगे और ऊपर के लेवल पर निफ्टी बैंक के बारे में वह है फोर्टी एट फाइव हंड्रेड जो कि मेजर रेजिस्टेंस फिफ्टी तक कोई मेजर है नहीं अब फोर्टी एट थाउजेंड तो ये जो दो हजार पॉइंट्स का अपसाइड है ये स्लो एंड बाय आपको दिखाई पड़ेगा बट अगर आप इमीडिएट रेजिस्टेंस और इमीडिएट लेवल्स के बारे में बात करें तो कल के दिन भी फोर्टी ट के लेवल से बाउंस बैक आया सो so, अगर आज 48,000 के लेवल्स बाउंस गिरावट होती है तो दोस्तों ये 47,650 के लेवल के लेवल्स आपको आज दिन ही आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं सो यू शुड बी मेटली प्रिपेयर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में FIIs ने बाइंग करी सिक्स फिफ्टी सिक्स करोड़ और डी आई एस की तरफ से सेलिंग थी थ्री हंड्रेड सिक्सटी नाइन करोड्स की तो ओवरऑल अगर आप देखें तो एफ आई आईज की तरफ से लगातार दूसरा दिन था जब बाइंग हो रही थी और डी आई एस की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग जो स्टॉक्स बैन में आए हैं उनमें कुछ स्टॉक्स फ्रेश ऐड हुए हैं विच इंक्लूड्स ए बी ए लेलैंड नैलको और कुछ स्टॉक्स निकले हैं विच इंक्लूड्स सेल तो दोस्तों तो मैंने आपसे अभी कहा भी था कि आप सेल के चार्ट को स्टडी डेफिनेटली करिएगा इसके अलावा गुड न्यूज़ क्या है गुड न्यूज तो नहीं है दोस्तों तो मेजर न्यूज यह है कि आई ने बोला है कि यूएस फेड के द्वारा रेट कट्स के की जो बात कही गई है उसमें रेट कट्स को बहुत जल्दी एक्सपेक्ट करना विल बी एंड विल बी अ प्री मेच्योर्ड डिसीजन तो उनकी तरफ से बेसिकली एक इनडायरेक्ट डायरेक्शन आया है कि रेट कट्स हो सकते हैं पर इतनी जल्दी नहीं और अगर होंगे भी तो इतने एग्रेसिव नहीं सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ स्लाइटली नेगेटिव क्योंकि मार्केट ने अगले साल दैट इज 2000 थाउजेंड मतलब इस साल दैट इज 2024 में बहुत ही एग्रेसिव रेट कट्स को फैक्टर इन कर लिया है मोदी जी की 2024 की विक्ट्री को फैक्टर इन कर लिया है तो कई सारी चीज़ें हैं जो कि मार्केट फैक्टर इन करके चल रही है और कोई भी चीज़ें इसमें नेगेटिव होती हैं मोदी जी का इलेक्शन का लूज करना यू एस के द्वारा रेट कट्स ना करना ये सारी की सारी चीज़ें कैन बी डेट्रिमेंटेड

बेहतरीन दिखाई वाले मतलब बेहतरीन मतलब साफ साफ क्लियर कट मार्केट की एक्सपेक्टेशन से बेटर रिजल्ट थे जी एम आर रिपोर्ट में दोस्तों पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि वहाँ का जो एयर ट्राफिक है नो एयर ट्राफिक हो गया पैसेंजर ट्राफिक हो गया कोर्स पैसेंजर ट्राफिक से ही एयर ट्रैफिक भी बनता है द traffic हैज़ increased by फिफ्टीन पॉइंट थ्री परसेंट अ पॉजिटिव न्यूज़ पी एन सी इन्फ्राटेक में पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि वन वन सेवन करोड़ का फ्रेश ऑर्डर मिला है फ्रॉम मध्य प्रदेश जहाँ पर वो वेस्ट भोपाल बाईपास को कंस्ट्रक्ट करेंगे इंडिगो में दोस्तों पॉजिटिव न्यूज़ ऑलरेडी शेयर की जा चुकी है आपको बाकी टाइप घसठ घसठ के बढ़ रहा है एटलीस्ट आई एम नॉट कीन टू बाय दिस नॉट सो गुड न्यूज़ के बारे में बात करें तो कल के दिन पोअर रिजल्ट थे एच बैंक के पहली चीज़ तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन को तो वो बीट कर नहीं पाए इसके अलावा प्रोविजनिंग भी काफ़ी ज़्यादा पड़ी है तो ऐसा लग रहा है कि एच डी एफ सी लिमिटेड के जो uh, you know, के जो you know, जो बैड फाइनेंशियल्स थे उसको एच बैंक धीरे धीरे करके फैक्ट्री इन कर रहा है और ये रीज़न है कि दोस्तों एच डी बैंक में आज के दिन आपको धुलाई होती हुई दिखाई पड़ सकती है और नेगेटिव न्यूज़ आई के लिए भी आ रही है जिसमें कि बीच में इस प्रकार की कुछ न्यूज़ थी कि मार्केट कपलिंग को फिलहाल गवर्नमेंट ने पोस्टपोन कर दिया कैंसिल तो कभी किया ही नहीं था बेसिकली मार्केट कपलिंग क्या है आपको फिर से याद दिला देना चाहते हैं अभी आई के पास पावर है कि मार्केट में किस प्राइस पे पावर को ट्रेड करना है मतलब पावर ना आपके घर में हमारे घर में जो बिजली जलती है उसको किस प्राइस पे बेचना है उस प्राइस डिस्कवरी मॉडल उस प्राइस डिस्कवरी का जो मॉडल है वो अभी आई के पास में बेसिकली आई ही रेगुलेट करता है किस पावर किस प्राइस पर पावर की ट्रेडिंग होगी लेकिन गवर्नमेंट को तो दोस्तों दो ये बात पसंद नहीं है कि भाई आप कि किसी कंपनी के पास किसी प्राइवेट कंपनी के पास ये चीज़ हो जिसके तहत वो प्राइस को रेगुलेट कर सके प्राइस का रेगुलेशन तो भाई गवर्नमेंट के पास होना चाहिए तो गवर्नमेंट हैज़ रियलाइज दिस और मार्केट कपलिंग के चलते वो एक नो uh, no, एक, एक एक uh, course, एक सिस्टम uh, डिवेलप करेंगे जिसके तहत दी मार्केट कपलिंग विल नॉट बी डन बाय एनी पर्टिकुलर कंपनी बेसिकली बाय मार्केट कपलिंग मार्केट डेटा मार्केट डेटा को कपल करके डिमांड को कपल करके सप्लाई को कपल करके एक आइडियल uh, प्राइस uh, निकाला जाएगा सो दैट विल नॉट बी अंडर दू नो कंट्रोल ऑफ एनी पर्टिकुलर कंपनी देट विल भी मार्केट रिवन सो so, इससे क्या है आई का जो एक मोनोपली है आई का जो एक आ, एक मेजर फोर्टे है जिसके तहत वो प्राइस डिस्कवरी कर पाते हैं वो चला जाएगा तो दैट इज द रीजन वाई आई एक्स पे आपको फिर से प्रेशर दिखाई पड़ सकता है ऑल दो मार्केट कपलिंग की न्यूज के चलते आई एक्स अच्छा खासा ऑलरेडी टूट चुका है ऑलरेडी ये चीज फैक्टर में हो गई है बट हां अगर ये चीज फिर से सरफेस हो रही है तो थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट आपको पड़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है बीमेंटली प्रिपेड इंडिगो पेंट्स में दोस्तों सेवन पॉइंट जीरो फाइव लैक शेयर सेल हुए हैं बाय स्मॉल कैप फंड समथिंग विच यू शुड बी अवेयर ऑफ टेलीग्राम चैनल इंडिगो पेंट है इंडिगो वाल फ्लाइट वाला इंडिगो नहीं इन्दीगो टेली चैनल ज्वाइन ही किया तो यू कैन ज्वाइन आर ओरिजिनल एट वेल्थ सागा ओरिजिनल चैनल जहाँ पर आपको रिलिवेंट अपडेट्स भी मिलेंगे ऑफकोर्स वी शेयर आर ट्रेड्स सो दैट यू कैन लर्न एंड ऑफकोर्स अर्निंग इज दी बाय प्रोडक्ट दोस्तों कल के दिन जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आते हैं उसमें थे एल टी टी एस रिजल्ट आर वीक एच डी एफ सी बैंक रिजल्ट वर मिक्सड फेडरल बैंक रिजल्ट वर ओके आई विल नॉट से गुड बैड ऐसी ऐसे जनरल इश्योरेंस के रिजल्ट वर क्लियर कट गुड आज के दिन जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने उसमें हैं एशियन पेंट्स एल टी आई एम इसके अलावा प्रोडेंशियल लाइफ कल के दिन ऐसे ऐसे जी के रिजल्ट जनरल इंश्योरेंस आज आने हैं लाइफ इंश्योरेंस हैप्पीस्ट माइंड के रिजल्ट आने हैं आलोक इंडस्ट्री ओ एफ एस एस आई एफ एल फाइनेंस और एस डी बी एल दीज आर दिन के आज रिजल्ट आने हैं एंड यू कैन कीप एन आई ऑन आई सेक दैट इज आई सी सिक्योरिटीज एच डी एफ सी बैंक पी एन सी इंफ्रा आई ई एक्स मेटल स्टॉक्स में नजर रखें एंड यू कैन कीप एन आई यू नो जो ट्रेड्स हम लोग शेयर करते हैं यू कैन लर्न एंड ऑफकोर्स इफ़ यू वॉन्ट टू गेट क्लोजर टू अस यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन नाइन सेवन जीरो सेवन फाइव three one nine seven nine. Thank you so very much. Bye bye for now.